इक्वलेंट मास और इक्वलेंट वेट, ये केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस हम लोगों को पता नहीं होती, फिर भी हमारे को उन केमिकल रिएक्शंस में स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी होती है। तो उन सब का जो रिलेशन है वो इक्वलेंट मास से चलता है। मोल कंसेप्ट से पहले आपकी इक्वलेंट मास की कंसेप्ट ही चल रही थी। केमिस्ट्री में आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मास और वेट दोनों ही सेम चीज होती है, ठीक है। मास एंड वेट आर सेम इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में मास मीन्स मास और वेट मीन्स एनर्जी, ये आपकी इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो मास और वेट इन दो चीजों में आपका एक फंडामेंटली डिफरेंस होता है। तो केमिस्ट्री में कहीं भी हम एटॉमिक वेट, इक्वलेंट मास, इक्वलेंट वेट कुछ भी वर्ड यूज करें, दैट मीनिंग इज आपका मास नहीं है, ठीक है। इक्वलेंट वेट जो है आगे नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट होती है। नॉर्मेलिटी आपकी केमिकल रिएक्शंस का एक बेस होती है, टाइट्रेशन का एक बेस होती है। तो वो सारी चीजें जो है हमारे को इसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। आपका इक्वलेंट मास भी एक वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म। इक्वलेंट मास आपका एक वेरिएबल टर्म है, तो ये केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग या आपकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग या आपका मीडियम के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है। इसलिए हमारे को इसके बारे में थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझने और जानने की जरूरत है। तो इक्वलेंट मास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इक्वलेंट मास आपका फंडामेंटली क्या होता है उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्राम इक्वलेंट मास, देन नॉर्मेलिटी एंड रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, और उसके बाद हम जो है एन फैक्टरी कंसेप्ट तक पहुंचेंगे। और इक्वलेंट मास जो है आपका केमिकल रिएक्शन में तीन तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, जैसे एक तो आपका इक्वलेंट मास फॉर एसिड बेसिस एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपका इक्वलेंट मास किस तरीके से आपका इक्वेशंस में यूज होगा, और आपका जो लॉ ऑफ केमिकल इक्वलेंस है कि मान लीजिए कभी भी दो तीन सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, ए प्लस बी चेंजेस टू सी प्लस डी, ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्वलेंस क्या है, इस सब्सटेंस का एक इक्वलेंट दैट विल रिएक्ट विद वन इक्वलेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस प्रोड्यूस वन इक्वलेंट ऑफ सी एंड वन इक्वलेंट ऑफ डी। तो दैट इज योर लॉ ऑफ केमिकल इक्वलेंट। तो केमिकल लॉ ऑफ इक्वलेंस का अपना एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, और केमिकल सबस्टेंसेस का एक सीधा सीधा रिलेशन बन जाता है कि भाई वन इक्वलेंट आपका दूसरे सबस्टेंस के वन इक्वलेंट से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट के वन वन इक्वलेंट प्रोड्यूस करेगा। तो इक्वलेंट मास आपकी ये टर्म हमने कैसे बनाई, तो साइंटिस्ट वगैरह जैसे हम लोग घर में मान लीजिए चाय बनाते हैं या कोई सब्जी बनाते हैं या कोई भी चीज जैसे मान लीजिए सीमेंट वगैरह लोग बनाते हैं, तो उसका एक फॉर्मुलेशन होता है। तो घर में जैसे हम चाय बनाते हैं तो उसका एक अपना हिसाब होता है कि भाई हमें इतना दूध लेना है, इतनी चाय की पत्ती लेनी है और इतना चीनी लेनी है, इतना पानी लेना है, तो उसका एक प्रोसेस होता है हीट करके, दैट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। तो इन सब चीजों को बेसिस पर नॉर्मल पर्सन जो है वो वर्क करता है। तो नॉर्मल पर्सन जब आपका इस तरीके से वर्क करता है तो इक्वलेंट हम लोग जैसे मान लीजिए हमने चार लोगों के लिए चाय बनाने की कोई रेसिपी तैयार करी, तो यदि हमारे यहां 20 लोग आ जाए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हम लोग चार लोगों के लिए यूज करते थे वही उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वही चीज जो है हमारे को 2 लोगों के लिए करनी हो तो हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वलेंट मास जो है आपकी इस तरीके से, मतलब आपके जो केमिकल प्रोसेसेस हैं वो लोग इस तरीके से करते हैं। तो इक्वलेंट मास की जो टर्म बनाई वो हमने बनाई कि इक्वलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द
mass of substance is the mass of substance which is equivalent to one part of hydrogen or 8 part of oxygen or 35.5 parts of chlorine. ठीक है, तो हम जो है वन इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का दैट मास विच इज इक्विवेलेंट टू वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन. तो हम जो है हाइड्रोजन का वन पार्ट लेते हैं, ऑक्सीजन का 8 एंड आपका क्लोरीन का 35.5. तो ऐसे नंबर हमने क्यों चुने? पहला क्वेश्चन तो यही राइज होता है कि भाई हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 35.5. हाइड्रोजन का 1 क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास मान लेते चलिए. और 8 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा आपका? कुछ लोग कह मान लेते कि एटॉमिक नंबर है और ये इसका एटॉमिक मास. तो ऑक्सीजन का यदि हमने 8 आपका एटॉमिक नंबर ले लिया और बाकी दोनों का एटॉमिक मास ले लिया, ये क्या मतलब हुआ भाई? क्या सोच सकते हैं हम इसके बारे में? तो ये जो है आपकी अप्रोच नहीं, दैट इज नॉट एटॉमिक नंबर. क्या हम इसको ये ले सकते हैं? एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2. एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं इसको. तो एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2 और यहां पर एटॉमिक मास वेट डिवाइड बाय 1, यहां एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 1. तो ऐसा क्यों करा भाई कि इसमें तो 1 की डिवाइड करी, इसमें 2 की डिवाइड करी और इसमें फिर आपने 1 की डिवाइड करी. तो ऐसा क्यों करा? क्वेश्चन ये राइज होता है. तो यदि आप इनके फॉर्मूले बना के देखें सोडियम के साथ, तो सोडियम का NaH, ऑक्सीजन का साथ Na2O एंड क्लोरीन के साथ NaCl. इसका 1 इसके 23 पार्ट से रिएक्ट करता है, इसका 35.5 इसके आपके कितने पार्ट से रिएक्ट करता है? 23 से. और इसका 16 46 से. तो यदि हम इसका 23 करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमारे को 23 करने के लिए? 2 की डिवाइड, तो इसमें हमने 1 की कर, इसमें भी 2 की डिवाइड कर दी हमने, ठीक है ना. तो जब हमने इसमें भी 2 की डिवाइड कर दी तो आपका जो है जितना हाइड्रोजन का जो इक्विवेलेंट है, यह हाइड्रोजन जितना है आपका, ऑक्सीजन उसके डबल सोडियम से कंबाइन कर रहा था. क्यों? क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन की वैलेंसी आपकी क्या है? 2, हाइड्रोजन की 1. तो आपका एक सबसे पहला रिलेशन बन जाता है इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंस. ठीक है, ये आपका रिलेशन बन गया. ठीक, तो वैलेंसी जो होती है एक वेरिएबल टर्म है अपने आप में. जैसे आयरन है, कई बार इसकी +2 होती है, कई बार इसकी वैलेंसी +3 होती है. तो आपको एटॉमिक मास जो है इस केस में इक्विवेलेंट मास इसका क्या होगा? 56 डिवाइड बाय 2. इसमें इक्विवेलेंट मास 56 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा. तो इक्विवेलेंट मास आपकी एक वेरिएबल टर्म है और एटॉमिक मास फिक्स टर्म है. तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि दिस इज ए वेरिएबल टर्म, दिस इज ए फिक्स्ड.
इक्विवेलेंट मास ऑफ एसेट। देखिए सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट मास निकालते हुए अगर दो बातें ध्यान रखनी है कि आपकी दो टाइप्स की रिएक्शन होती है। एक आपकी नॉन रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए रूल रेगुलेशन अलग रहेंगे, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन के लिए रूल रेगुलेशन अलग रहेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए इक्विवेलेंट मास। तो उसमें जो इक्विवेलेंट मास होता है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन के लिए और एसिड का, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू क्या होता है आपका मॉलिकुलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच आयंस, कि आपके नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच आयंस क्या है। जैसे आपका HCl है तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, थर्टी सिक्स डिवाइड बाय वन। तो यहां पर जो है वो मॉलिकुलर मास के इक्वल होगा। H2SO4 का क्या होगा आपका इक्विवेलेंट मास, मॉलिकुलर मास डिवाइड बाय टू। क्यों, क्योंकि इसकी बेसिसिटी दो है। अब जैसे आपका H3PO4 है, H3PO4 और क्या होता है आपका ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मॉलिकुलर मास निकाल लेंगे हम इसका, मॉलिकुलर मास डिवाइड बाय थ्री। तो इसका नाम क्या होता है आपका ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो आपने जब इसका निकालने बैठे यदि आप किसका H3PO3 का, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इसका नाम होता है आपका ऑर्थो फास्फोरस एसिड। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आपका हम लोग ऑर्थो फास्फोरस एसिड का निकाल रहे थे और फास्फोरिक एसिड का। तो ऑर्थो फास्फोरस एसिड में आपके नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच आयंस कितने होंगे, नंबर ऑफ एच आयंस, ये आपको यहां पे तीन दिखाई दे रहे होंगे लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं ये दो होते हैं। यहां पर आपको तीन दिखाई दे रहे थे, वो तीन ही थे। तो यहां पर दो कैसे, इसके लिए आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है PO3 का, फास्फोरस की वैलेंसी आपकी पांच होती है। ठीक है, एक ऑक्सीजन ये आ गया, एक OH आ गया और ये डार्क ब्लू। इसका यदि आप स्ट्रक्चर देखें तो आपका ठीक है, तो ये जो है आपके ऐसे दिखाई देते हैं और रिप्लेसेबल दिखाई देते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ये आपका नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है, नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। ठीक है, ये आपका नॉन रिप्लेसेबल एच आयंस है। तो यदि हम आप इसका इक्विवेलेंट मास निकालें तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा आपका, मॉलिकुलर मास डिवाइड बाय टू। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस दैट इज इक्वल्स टू
molecular mass of base divided by acidity of base. Acidity of base का मतलब क्या है? Means number of replaceable OH ions. Number of replaceable OH ions. तो जैसे आपका NaOH है, तो इसका equivalent mass क्या हो जाएगा आपका? Molecular mass divided by 1. क्योंकि उसके पास replaceable OH ions कितने हैं? 1. Calcium hydroxide. इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा आपका? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2. आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? मास डिवाइड बाय 3. ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हैं, और केमिकल रिएक्शन को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसमें कितने आपके एच आयन और ओ एच आयन रिप्लेस हो रहे हैं एक्चुअली. ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम इनका एसिड और बेस का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं. इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्ट क्या होगा आपका? सॉल्ट is equals to molecular mass of a salt divided by total number of positive or negative valence. टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसीज को हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन आपको एक ही लेनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों नहीं. तो जैसे आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl क्या होगा? दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इट्स वैलेंसी, दैट इज इक्वल टू 58.5. इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, यानी आपका 101 डिवाइड बाय 2. आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe2SO4 की होल थ्राइस, ये क्या होगा आपका सेट करना? तो यहां पर हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे, इसको आप ऐड करके निकाल लेंगे आराम से. 56 into 2 plus 32 plus 64 multiplied by 3. 64 कैसे आया? 16 into 4 से. तो इसको आप यहां पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय इट्स टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैलेंसीज. तो यहां पर आयन कितना है? आयन वैलेंसी 3 होती है, दो एटम्स है, तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी आपकी हो जाएंगी 6. तो इस तरीके से आप जो है इक्विवेलेंट मास सॉल्ट का कैलकुलेट करेंगे. ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास मास, इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स विच इज न्यूमेरिकल इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास. ग्राम इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का वो मास है जो उसके आपके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है.
equal to its equivalent mass. ठीक है, equivalent mass के आपके equal होता है. जैसे हम लोग आपका हाइड्रोजन का equivalent mass, ग्राम equivalent mass, इसको कह सकते हैं वन. ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन दैट इज इक्वल टू 35.5. ठीक, 35.5 ग्राम. तो ग्राम जो है हम लोग यूनिट लगा लेते हैं. तो इसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं हम लोग. दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास. आपके ग्राम इक्विवेलेंट मास के इक्वल हो जाता है. जैसा हम आगे क्वेश्चंस में इसका यूज करें. जैसे मान लीजिए आपके पास जो है 73 ग्राम ऑफ HCl है. ठीक है, और नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है. तो यहां पर इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे? That is equals to 73 divided by 36.5. आपके कितने आ जाएंगे? 2. तो यहां पर HCl के 2 ग्राम इक्विवेलेंट आपके हो जाएंगे.